मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आज हम बनाने वाले हैं चूरमा। दोस्तों नमस्कार, मैं रेणुका लाल अपने चैनल रेणुका की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे की नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए फ्रेंड्स, आज हम चूरमा बनाने वाले हैं। तो चूरमा हम कैसे बनाते हैं घर में, तो इसके लिए किस किस सामानों की हमें ज़रूरत होती है, आइए आज हम चूरमा बनाने में सामान की जो ज़रूरत होती है उसे हम आपको दिखाते हैं। ये हमने एक कप आटा ले लिए हैं, इसको जो है सो हम बिना चाला हुआ आटा है इसको हम चूरमा बनाएंगे। ये दूध है, ये पीसी हुई चीनी है, दो इलायची हमने कुटी हुई ले लिए हैं, ये ड्राई फ्रूट है, ये किशमिश और ये। अब हम चूरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो है हमें एक कप वाला आटा इसमें हम डाल देंगे। एक चम्मच हमने जो तेल रखे थे इसको भी हम इसमें मिक्स कर दिए है। सो ये दूध है तो दूध हम थोड़ा थोड़ा डाल के एक डो तैयार करेंगे। देखिए हमें जितना दूध लगेगा ज़रूरत के अनुसार से, हम इसको गीला नहीं करना है, एक डो तैयार करना है, तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही दूध डाल के एक डो हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। टाइट ही हम डो रखेंगे ज़्यादा, जैसे रोटी के जैसा डो बनाते हैं उसी तरह हम इसे रखना है। देखिए हमारा इस कप से दूध हम लाए थे, इससे आधा कप हमारा दूध लगा है और ये मेरा डो बनके तैयार हो चुका है। अब ये मेरा डो तैयार हो गया है, अब इसे हम छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे और इसे हम देखिए इस तरह से हाथों से इस तरह से दबाते हुए बनाते जाएं। देखिए हम सभी आटा को हम इस तरह से बना लिए हैं, अब चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमने गैस जला के और तेल चढ़ा दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो रहा है। इसके बाद जो है सो हम ये चूरमा वाला जो हम बना के रखे हैं इसे हम इसमें डालेंगे। एक बार थोड़ा सा हम ट्राई कर लेते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जो चूरमा बना के रखे हैं इसको हम इसमें डाल देते हैं धीरे धीरे करके सभी को, और इसे हम धीमी आंच पे ही इसको सेकेंगे। अगर तेज आंच पे हम करेंगे तो ये अंदर में सेक नहीं पाएगा और ख़राब हो जाएगा इसका टेस्ट भी, इसीलिए इसे धीमी आंच पे ही इसे रखना है। सभी को डाल दिए हैं और इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ दे रहे हैं। देखिए हमारा एक साइड हो चुका है, अब हम इसे दूसरी साइड पलट लेते हैं इस तरह से सभी को चम्मच से, इसे भी हम 5 मिनट के लिए छोड़ दे रहे हैं। जो जो हो चुका है उसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में इस तरह से। देखिए अब मेरा बन चुका है, अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा ये जो ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सी के जार में रख के और इसे हम पीस लेंगे। इसे इस तरह से तोड़ लेंगे हाथों से छोटा छोटा और इस तरह मिक्सी के जारों में हम इसे रख लेंगे इस तरह से। अब हम इसे जो है सो पीस लेते हैं। देखिए हम सभी को मिक्सी में पीस लिए हैं, अब हम इसे जो है सो बॉल में निकाल लेते हैं और इसमें हम सभी सामान मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि पिसा हुआ चीनी हमने रखी थी कप से, 1/3 कप हम चीनी रखे थे इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। 2 इलायची को भी हम कूट के रखे थे इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट है तो इसको हम आधा डालते हैं और आधा हम सजाने के लिए रख लेंगे। ये किशमिश है इसको भी हम आधा डालते हैं और ये सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए हम बाउल में निकाल लिए हैं, अब इसमें जो हम ये ड्राई फ्रूट जो काट के रखे थे इसको ऊपर से इस तरह से हम सजा देते हैं। ये किशमिश को भी इस तरह से हम डाल देंगे। तो देखिए हमारा चूरमा बनके कितना अच्छे से तैयार हो चुका है और खाने में भी दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप देर मत कीजिए, झट से बनाइए और टेस्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।